क्या आप भी अपने वेट से परेशान हैं? क्या आप भी अपना वेट कम करना चाहते हैं इन जस्ट वन मंथ, वो भी 10 to 12 kgs? क्या इतनी मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा? क्या आप भी स्लिम एंड स्मार्ट दिखना चाहते हैं? तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा क्योंकि आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। Assalamualaikum, I am a clinical dietitian and nutritionist Mehvish. So welcome back to my channel. In this video, I am going to tell you about weight loss up to 10 to 12 kgs in a month. Is it possible or not? वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी अबाउट वेट लॉस, ये डाइट ट्राई करो, वो डाइट ट्राई करो। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेट लॉस का एक डिटेल तरीका। वैसे ये है टॉपिक तो बहुत लेंथी, तो इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वेट लॉस, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन वेट मैनेजमेंट, हेल्थ रिस्क्स एंड मैनेजमेंट ऑफ वेट लॉस। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवरवेट और ओबीस होता क्या है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वेदर वो ओवरवेट है या ओबीस है। क्या ओवरवेट या ओबीस है भी या नहीं, पहले हम समझ लेते हैं ओवरवेट को। ओवरवेट उसको कहते हैं जो फूड आप कंज्यूम करते हो और जो फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे होते हो उसके दरमियान इम्बैलेंस हो जाना, उस इम्बैलेंस हो जाने में जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं ओवरवेट। ओवरवेट वो स्टेट होती है जिसमें आपका वेट जो है वो एक्सीड हो जाता है, ठीक है, एक्सीड्स अ स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन अ हाइट। वेयर इज ओबेसिटी इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव फैटनेस, या तो वो लोकलाइज्ड होगा या वो जनरलाइज्ड होगा, ठीक है। ओवरवेट और ओबेसिटी जो है ना यूजुअली पैरेलल होते हैं ईच अदर। ओबेसिटी जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स इश्यू होता है, उसका रिलेशन होता है लाइफस्टाइल के साथ, एनवायरमेंट के साथ या जीन्स के साथ, ठीक है। एनवायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स का जो है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है साइकोलॉजिक के साथ, कल्चरल के साथ और फिजियोलॉजिक इन्फ्लुएंसेस के साथ। ओवर द इयर्स मैनी हाइपोथेसिस हैव इवॉल्व टू एक्सप्लेन क्यों कुछ लोग फैट होते हैं और क्यों कुछ लोग लीन होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो जो रेगुलेटरी फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं ईटिंग और वेट मैनेजमेंट में, उसमें आ जाता है ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, गट हार्मोन्स और अदर हार्मोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी वेट कंपोनेंट्स। ट्रेडिशनली जो है वो टू कंपार्टमेंट मॉडल जो है वो डिवाइड करता है बॉडी को इनटू फैट मास और फैट फ्री मास। फैट मास उसको कहते हैं कि जो फैट फ्रॉम ऑल द बॉडी सोर्सेज इंक्लूड होती है, जिसमें आ जाता है ब्रेन, स्केलेटन और एडिपोज टिश्यू। और फैट फ्री मास उसको कहते हैं जो इंक्लूड करता है वाटर, प्रोटीन एंड मिनरल कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑल्दो फैट फ्री मास ऑफन इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म लीन बॉडी मास, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता। लीन बॉडी मास इज अ मसल। लीन बॉडी मास इज हायर इन मैन देन इन वुमेन। एक्सरसाइज के साथ साथ इंक्रीज होता है और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें कम होता है। इट इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अब इससे ये पता चलता है कि अगर लीन बॉडी मास कम हुआ तो इट कुड हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ वेट लॉस। देयरफॉर अगर वेट लॉस आपने अचीव करना है, लॉन्ग टर्म वेट लॉस, तो लॉस ऑफ फैट मास वाइल मेंटेनिंग द फ्री फैट मास इज डिजायरेबल। वाटर जो हमारी बॉडी वेट को 60 to 65% इम्पॉर्टेंट होता है, इज द मोस्ट वेरिएबल कॉम्पोनेंट ऑफ द लीन बॉडी मास एंड द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन कैन इंड्यूस फ्लक्चुएशन ऑफ सेवरल पाउंड्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेटाबोलिज्म को। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो बॉडी सेल्स में हो रहा होता है दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी, जो फूड को एनर्जी में चेंज करता है। इसमें आ जाती है टू टाइप्स, एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस
और आ जाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जो कि मेटाबॉलिक रेट में इन्वॉल्व होती है. एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस वो एनर्जी एक्सपेंड की जाती है इन वॉलेंट्री एक्टिविटी द मोस्ट वेरिएबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर. ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस जैसे फिजिकल एक्टिविटी अकाउंट करता है 15-30% ऑफ द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. ठीक है, लेकिन जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है ये वो एनर्जी एक्सपेंड होती है फॉर ऑल द एक्टिविटी दैट इज नॉट स्लीपिंग ईटिंग और स्पोर्ट्स लाइक एक्सरसाइज. इट इंक्लूड्स गोइंग टू वर्क, टाइपिंग, डूइंग यार्ड वर्क, टो टैपिंग, इवन फिजिटिंग. नीट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल मे हैव अ प्रोफाउंड इम्पॉर्टेंस इन वेट मैनेजमेंट. अब जो वेट लॉस के बारे में जानना चाह रहा होता है या जो वेट लॉस जर्नी पर होता है उनको ये चीजें समझने की बहुत बहुत जरूरत है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. अच्छा, वेट लॉस में डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. मतलब आप जेनेटिक्स फैक्टर आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी इनएडिक्वेट होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, या कोई भी टेस्ट टाइट या पोर्शन साइज देखा जाता है, या स्लीप डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है. तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं. इसके अलावा गट माइक्रोफ्लोरा एंड डाइट, ये सब कुछ. ठीक है, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक्स की. तो जो आपका न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस आप करते हो वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है ओबेसिटी ट्रिगरिंग जीन्स को. दस द फार्मूला फॉर सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट इज लाइकली टू रिक्वायर द बिहेवियरल एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक्स. तो डीएनए टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है प्रिडिक्शन अबाउट एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के वो पर्टिकुलर डाइट के साथ क्या इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है वो बताते हैं. अब हम देख लेते हैं लो फैट वर्सेस लो कार्ब. देखा जाता है कि अगर लो फैट डाइट लिया जाए तो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है फॉर वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट या वेट को मेंटेन करना. क्यों? क्योंकि वो एक लो कैलोरी कॉन्टेंट होता है. योर जीन्स मे हैव एन इफेक्ट, लेकिन जेनेटिक स्टडीज ये की गई हैं आज के दौर में, ये शो की गई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो एक बंदा है, इफ अ पर्सन, वो ओबिजोजेनिक है फ्रॉम अ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट. इस बात को समझना आपने. अगर एक बंदा है और वो आइडेंटिफाई किया गया है कि वो ओबिजोजेनिक है फ्रॉम अ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो वो अगर लो फैट डाइट भी फॉलो करता है तो वो एज सच सक्सेसफुल नहीं रहेगा एज कंपेयर टू वो बंदा जो कि आइडेंटिफाई किया गया है कि वो ओबिजोजेनिक है फ्रॉम अ हाई फैट डाइट. ठीक है, इस बात को आप समझिए कि जो बंदा अगर वो ओबिजोजेनिक आइडेंटिफाई किया गया किस वजह से, हाई कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम अ हाई कार्बोहाइड्रेट, तो अगर लो फैट डाइट भी फॉलो करते तो उतना सक्सेसफुल नहीं है. लेकिन अगर कोई ओबिजोजेनिक है और वो आइडेंटिफाई किया गया कि वो ओबिजोजेनिक है हाई फैट डाइट, तो वो अगर लो फैट डाइट भी फॉलो करते ना तो वो सक्सेसफुल है. ठीक है, तो इस बातों को समझने की बहुत जरूरत होती है जब आप वेट लॉस जर्नी पर जाते हो या वेट लॉस के बारे में समझना चाहते हो. वैसे तो ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है. थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स नॉन टू अफेक्ट मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज एंड एनर्जी विद इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो डीएनए जो है वो टेस्टिंग वो प्रोवाइड करती है, एक एनालिसिस बताती है कि हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रही है एक्सरसाइज को, परफॉर्मेंस को, और स्ट्रेटजीज देती है कि वो पर्सन रीच करे और मेंटेन करे एक हेल्दी वेट को बेस्ड ऑन हिज और हर जीन्स. अब हम हेल्थ रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं. तो जो ओबीज होते हैं वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी होते हैं. ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीजेस में अकर जिसमें आ जाते हैं हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर डिजीज, इनफर्टिलिटी, स्लीप एपनिया, हार्मोनल कैंसर्स एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, ये वर्सन हो सकते हैं. जैसे जैसे ओबेसिटी की डिग्री इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये रिस्क फैक्टर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे. तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने वेट को जो है वो मेंटेन कीजिए ताकि आप जो है वो हेल्थ इश्यू से बच सकें. मैनेजमेंट आपकी ये होगी
कि सबसे पहले तो आपने अपना गोल सेट करना है. गोल आपका ये होगा कि अगर ओबेसिटी है या ओवरवेट है तो आपने जो है ना वेट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है. बेस्ट वेट अटेन करना है जिसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी अफेक्ट ना होए. और अगर आप बॉडी वेट जो है अपना रिड्यूस कर रहे हो तो उसके साथ साथ प्रोटीन और फैट की भी अमाउंट थोड़ी सी लॉस होगी टू सम डिग्री, डिटरमिन टू सम डिग्री बाय द रेट ऑफ वेट रिडक्शन. तो अगर एकदम से आप ऐसी डाइट करते हो जिससे आपकी कैलोरीज बहुत रिड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से ये होगा कि आपका एकदम से वेट लॉस हो जाएगा और वो बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आप एक स्टार्वेशन प्रोसेस पर हो, ठीक है. तो अगर आप सेम कैलोरी इनटेक ले रहे हो तो रेट ऑफ वेट रिडक्शन वेरी करेगा. मेन जो है वो अपना वजन ज़्यादा तेज़ी से जो है उसका रिड्यूस होगा एज़ कम्पेयर टू वुमेन अगर सिमिलर साइज की हैं. बिकॉज क्यों? क्योंकि उनका जो है लीन बॉडी मास और जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा है. इसके साथ साथ जो हैवियर पर्सन है वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे एज कम्पेयर टू उसकी नस्बत जो लेस ओबीज है, ठीक है. तो लूज करेंगे फास्टर ऑन अ गिवन कैलोरिक इनटेक देन अ लाइटर पर्सन, सही हो गया. इसके अलावा जो बहुत से ओबीज पर्सन है ना जो उनका वजन कम नहीं हो पा रहा होता, वो डाइट ले रहे होते हैं, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जितनी वो बता रहे होते हैं, ठीक है. तो वो उसकी नस्बत वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं एंड ओवर एस्टिमेट देयर फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स. तो डाइटरी मॉडिफिकेशन आप ये कर सकते हैं कि कैलोरी डेफिसिट पे रहिए, ठीक है. इसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कीजिए, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन कीजिए. अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है इस पर भी आ जाएंगी वीडियोस इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ही वेट लॉस एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है तो इस पर डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह. और वर्कआउट और डाइट में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो भी आप जाके देख लीजिए. अब जब कुछ लोग वेट लॉस जर्नी पर जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मसल भी मेंटेन करना होता है. वो वजन तो कम कर लेते हैं लेकिन वो मसल मेंटेन नहीं कर पाते. तो इसलिए आपने सारे फूड ग्रुप को अपनी डाइट में ऐड करना लाजमी होता है. ऐसे नहीं होता कि आप मेजर फूड ग्रुप्स को निकाल रहे हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हो और आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स को फॉलो कर रहे हो या वेरी लो कैलोरी डाइट्स को फॉलो कर रहे हो. उससे यही होगा कि आपका जो बॉडी मास है यानी जो बॉडी का वेट है वो रिड्यूस नहीं होगा. उससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी में वाटर वेट है वो रिड्यूस होगा जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए आपका वेट कम तो हो जाएगा और एकदम से कम होगा. यानी मंथ में आप 10-12 केजीज आप लूज तो कर लोगे लेकिन उससे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो डाइट दैट रिड्यूस कैलोरिक इनटेक रिजल्ट्स इन वेट लॉस. जो कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं वो वेट लॉस कर सकते हैं. ऑल पॉपुलर डाइट जो बहुत ही डिफरेंट किस्म के होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डाइट, वेरी लो कैलोरी डाइट और डिफरेंट किस्म के जो डाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म वेट लॉस करवाते हैं अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो. लेकिन उससे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जिसमें पॉपुलर वेट लॉस डाइट में आ जाता है एटकिन डाइट, बेली फैट क्योर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिटॉक्स डाइट्स, इस तरह के डाइट्स के नाम होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, लोग कर रहे होते फॉलो. इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वेरी लो कैलोरी डाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं यूरिनरी कीटोन्स जो कि इंटरफेयर करता है रीनल क्लियरेंस ऑफ यूरिक एसिड रिजल्टिंग एन इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल्स और गाउट, हायर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम मोबिलाइजेशन ऑफ एडिपोज स्टोर्स पोज आर रिस्क ऑफ गॉल स्टोन्स. तो एडिशनल एडवर्स रिएक्शन आपको बता देती हूँ जिसमें आ जाते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस, फटीक, लाइट हेडेडनेस, नर्वसनेस, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ड्राई स्किन, एनीमिया और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज. ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. थायरॉयड की भी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है. तो इसलिए जब भी आप डाइट कीजिए तो ऐसी डाइट कीजिए जो कि तमाम फूड ग्रुप्स उसमें ऐड हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो, फिजिकल एक्टिविटी भी आप करें
और आप अपनी जो है स्ट्रेस और स्लीप साइकिल इसको भी मेंटेन करें. स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बाकी इसके अलावा वेट लॉस के हवाले से वीडियोस आती रहेंगी, इसके साथ साथ वीडियोस वेट गेन पर भी बनाई जाएंगी इंशाल्लाह. क्योंकि कुछ लोग वेट लॉस के साथ साथ, कुछ लोग जो वेट लॉस पर होते हैं वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे होते, और जो कुछ लोग वेट गेन जर्नी पर जाते हैं वो वेट गेन नहीं कर पाते. तो ये एक डिटेल टॉपिक्स है जो मैंने पहले भी आपको बताया है, तो इस पर वीडियोज इंशाल्लाह आती रहेंगी. एंड पे एक क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया है उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू वांट डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, वेट गेन और फॉर एनी मेडिकल कंडीशन और एनी डिजीज लाइक क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज, तो विद वर्कआउट एंड सप्लीमेंट रिकमेंडेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स. आप हमें इंस्टा और टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी. इफ यू वांट टू सजेस्ट एनी टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट कीजिए. और जो मैंने पहले ही कहा था कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी आप आंसर कमेंट कीजिए. जिन जिन के आंसर ठीक होंगे उनको आगे आने वाली किसी एक वीडियो में अप्रिशिएट किया जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.